वेली गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों बात कर रही हूँ मैं सीरियल उड़ाई की उड़ाई में मजेदार ट्विस्ट के साथ। ये दिखाता है कि जहाँ एक तरफ आशिमा को लगता है कि उसका खून करना चाहती है सुहाना, वही इधर दिखाते हैं कि आशिमा आती है सुहाना के रूम में और खोलती है, बोलती है मेरे को पता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो लो चाकू से मुझे मार दो, लेकिन मुझे मेरी आइडेंटिटी बता दो, यानी कि मेरी असलियत बता दो कि मैं हूँ कौन और मैं कहाँ से आई हूँ। वही इधर दिखाते हैं कि जहाँ उधर वो जाती है तो देखती है सुहाना को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सुहाना का हाथ कटा हुआ रहता है और उसके हाथ में से बहुत खून बह रहा होता है। ये बात देख के वो डर जाती है और अपने हाथ में जब चाकू लेती है तभी आ जाती है बेगम साहिबा और वो लगा देती है आशिमा पे इल्जाम और बोलती है कि तुम मेरी बेटी को मार दी, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी, हमेशा से यही करना चाहती थी। वो इधर दिखाता है कि क्या मुर्तजम करेगा आशिमा पे बिलीव या अपनी बेगम साहिबा पे बिलीव, वही क्या पता चल पाएगा हकीकत की सुहाना को कौन मारा या सुहाना ने अपनी जान लेने की खुदकुशी करने की कोशिश की। वही इधर के अरमान को पता चल पाएगा कि उसकी आशिमा जिंदा है और आलिया का मकसद पूरा होगा या इस बार भी रह जाएगा धरा का धरा, आशिमा लौट जाएगी वापस या इस बार मुर्तजम के साथ दिखाएगा उसका प्यार भरा इश्क भरा लव। वही क्या मुर्तजम हेल्प करेगा आशिमा को उसके घर पहुंचाने में यानी कि सरहद पार पहुंचाने में, या होगा इस बार नया ट्विस्ट भरा सफर। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।